हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और बाकी जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं और नए लोग जो देख रहे हैं इसको, उन लोगों को बताता चलूं कि हम लोग कुछ द हिंदू न्यूज़पेपर से कुछ शुरू करने वाले हैं। सभी बच्चे भी इसमें आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और सभी एक एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। वीडियो इंग्लिश में होगा। जब आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत वगैरह होगी तो मैं उस चीज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर से नया वीडियो बना दूँगा, ताकि आप देखें, आप अपने बच्चों का भी कम्युनिकेशन सुधार सकें उस चीज़ से, बच्चों को दिखाएं। जितने भी पेरेंट्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जैसे ये आपके सामने द हिंदू न्यूज़पेपर है, तो इसका नाम बेसिकली सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि सुना है और उस चीज़ को करने में बहुत डिफरेंट है। आप उस चीज़ को करोगे नहीं, सिर्फ सुनोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक उसके गो थ्रू नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ने का तरीका मैं बताता चलूँ। आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे, और यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा, 1878 से ये न्यूज़पेपर, और वो भी आपको इंडिया का नेशनल न्यूज़पेपर भी इसे कहा जाता है। और जितने भी ज़्यादातर जो IAS की प्रिपरेशन करने वाले होते हैं और जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल के लोग होते हैं, वो इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये जेन्यून न्यूज़ देता है इस वजह से, और बाकी फालतू न्यूज़ वगैरह इसमें रहता नहीं। दूसरा ये मैं बताता चलूँ कि चार पांच हेडलाइंस आपको शुरू में मिल जाती है, और इसके अलावा आपको वेबसाइट पे भी ये न्यूज़ पेपर मिल जाएगी। इसका वेबसाइट भी दिया हुआ है, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी जा सकते हैं, इसके गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा चार पांच जो हेडलाइंस रहती है, जैसे यहाँ पे आपका है BJP क्वाइन लव जिहाद टू डिस्टर्ब कॉमनल हारमोनी, शेज गहलोत। गहलोत जी ने ट्वीट किया, अशोक गहलोत, जो कि आपके चीफ मिनिस्टर हुए राजस्थान के। दूसरा आपका सोनिया अपॉइंट्स कांग्रेस डिसेंटर्स एज मेंबर्स ऑफ की पार्टी पैनल्स। पेज नंबर भी इसके मेंशन रहते हैं, कौन से पेज नंबर में, इसको आप विस्तृत रूप से पढ़ सकते हो। फिर ट्रंप एक्शन सेंडिंग डैमेजिंग मैसेज टू द वर्ल्ड सेज बाइडेन, नडाल नॉक्स आउट मिट्स मेडवेडेव इन सेमीफाइनल। इसके अलावा हम लोग इस पे गौर करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को अगर ये दिख रहा होगा तो। ये प्रिंट कहाँ कहाँ होता है, ये सभी जगह प्रिंट नहीं होता, सबसे पहली चीज़ ये जान लें। बहुत जो इंटेलेक्चुअल ग्राउंड होता है, इंटेलेक्चुअल सिटी होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप लोगों को अधिकतर देखने को ये मिलेगा, चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, मदुरई, नोएडा, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, कोची, विजयवाड़ा, मंगलुरु, तिरुची, रपल्ली, कोलकाता, हुबली, मोहाली, मल्लापुरम, मुंबई, तिरुपति, लखनऊ, कटक, और इधर 2 से 3 साल 4 साल हुआ है कि पटना में भी इसका प्रिंटिंग आने लगा है। तो बिहार वासियों के लिए काफ़ी अच्छा तोहफा है, क्योंकि बिहार के लोग IAS की प्रिपरेशन करते थे और उन लोगों को एडिशन एक दिन के बाद मिलता था, इस वजह से इसको पटना में भी प्रिंट किया जाने लगा। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे, गो थ्रू करेंगे इसके हेडलाइंस के, सब हेडलाइंस जिसको बोल सकते हो आप। जैश प्लॉट टू टारगेट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज इन जम्मू एंड कश्मीर फॉइल्ड सेज PM। जैसे प्रधानमंत्री जी बोलना चाहते हैं यहाँ पे कि जैसे मोहम्मद के आतंकवादी घुसपैठ कर रहे थे, उसमें कुछ पकड़े गए हैं, तो उसके बारे में एक ट्वीट किया है यहाँ पे, तो उसके बारे में आपको एकदम जेन्यून न्यूज़ मिलेगी। आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल को, न्यूज़पेपर को फॉलो करेंगे तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर, या कोई anti-BJP है तो उसको कम करके दिखा देता है, लेकिन ये जो न्यूज़पेपर रहती है, ये जो भी आपके पास जेन्यून न्यूज़ सेंटर से निकलता है, PIB से हो गया, चाहे आपको एक अच्छे इंटेलेक्चुअल ग्राउंड पे जो रिपोर्टर काम कर रहे हैं वहाँ से निकलती है। और उसके अलावा आप ये भी देखने की कोशिश करेंगे ये न्यूज़ है कहाँ की, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट न्यू दिल्ली। जैसे ये एडिशन मैं न्यू दिल्ली में खड़ा हूँ, तो न्यू दिल्ली की एडिशन मेरे पास रहेगी, कहीं और खड़ा रहता तो वहाँ की एडिशन मेरे पास नियर बाई की रहती। अब मैं ये बात करूँ कि ये स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट कहीं कहीं पे आपको देगा, जैसे यहाँ पे एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये रिपोर्टर की है, जो द हिंदू के रिपोर्टर हैं सौरभ त्रिवेदी, इनका एक दिया हुआ है, तो अपना उनका आर्टिकल, अपना उनका सोच है, लेकिन ये स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट पूरे टीम के पास आता है और उस टीम को मिल करके इसे पब्लिश करना रहता है। फिर एक आता है ग्राउंड फ्लोर रिपोर्टिंग, यानी ग्राउंड फ्लोर रिपोर्टिंग कहने का मतलब वहाँ पर जा करके वो रिपोर्टर रिपोर्ट करता किसी भी न्यूज़ को, तो उसको ग्राउंड फ्लोर रिपोर्टिंग कहते हैं। आगे के पेपर मिलेगा भी,
आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा न्यूज़ दिया हुआ है, यूपी गवर्नमेंट डिनाइज कन्फर्मिंग केरला जर्नलिस्ट इलीगली। यानी कि ये आवाज़ भी उठाता है, ऐसा नहीं कि आपके आवाज़ को ये दबा कर रखता है, आवाज़ भी उठाएगा आपका ये न्यूज़पेपर, लेकिन आपको हाइप नहीं कराएगा कि आप मतलब अपने आप को, जैसे बोलते हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर या जर्नलिस्ट या मीडिया कर्मी न्यूज़ चैनल बहुत हाइप कर देते हैं किसी भी छोटी मोटी न्यूज़ को। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती और कंगना रनावत, ये सब न्यूज़ को हाइप कर दिया गया। ऐसा कुछ था नहीं, आप लोग बेसिकली आप लोग जान पाते हैं उसको 2 से 3 महीने बाद, कुछ दिन गुजर जाता है, कुछ अरसा गुजर जाता है तब उससे जान पाते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए कि अगर इंटेलेक्चुअल बनना है अपन को, तो अपने बच्चों के साथ बैठें, अपने बच्चों को तरीका बताएं पढ़ने का। आप इसे फॉलो कर सकते हैं क्लास 6 से ऊपर के बच्चों के लिए भी। इस न्यूज़पेपर को यहाँ पे प्रेजेंट करने के पीछे कारण यही है, काफ़ी इजी वे में 6 क्लास का भी बच्चा अगर है तो आपका रिप्रेजेंट कर सकता है, उसको अगर इतनी समझ है तो उस पढ़ सकता है। आप उसे 6 महीना पढ़ाइए ज़रूर, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, उसकी रीडिंग ज़रूर मजबूत हो जाएगी, पढ़ाइए, उसके बाद धीरे धीरे वो समझने लगेगा। और अच्छी चीज़ों को, अच्छे इन्वायरमेंट को, अच्छे और को क्रिएट करके उन बच्चों को देंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आप सबसे बड़ी चीज़ है इस न्यूज़पेपर की खासियत ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ को बहुत उठाते हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, बहुत सारे फुल फॉर्म इसके रहते हैं और ख़ुद फुल फॉर्म वहाँ पे रहता है, जैसे PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, WHO, तो WHO के बाद आपको देगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी छोटे छोटे फुल फॉर्म हैं तो उसको देता है। तो इससे बच्चों की चाहत भी इसमें बढ़ सकती है, डिजिटल ना हो करके अनडिजिटली इस पेपर को पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि डिजिटल में आपका खतरा बना रहता है। खतरा किस तरीके का, आपको नोटिफिकेशन 10 तरीके के कंप्यूटर चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो या कोई भी चीज़ चला रहे हो तो खतरा 10 तरीके का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें बच्चा का माइंड एंगेज हो गया तो आप बच्चे को आधा घंटे के लिए कुछ न्यूज़ पढ़ने के लिए दोगे, वो गेम खेलता रहेगा फ्री फायर और पबजी। लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है, इसमें आप थ्रू आउट न्यूज़ जाइए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ हरियाणा शट्स स्कूल्स टिल नवंबर 30, जेन्यून न्यूज़ देता है। सबसे पहले उसने क्या किया, रिसर्च किया, उसके बाद इस न्यूज़ को पब्लिश किया इस न्यूज़पेपर में। फिर इसका कंटेंट पे हम लोग गौर करेंगे थोड़ा सा, अंदर के कंटेंट को मैं दिखाना चाहूँगा, एक फिगर दिया है यहाँ पे बहुत अच्छा, आप दे सकते हो राष्ट्रपति भवन का ये फिगर है, और ये फिगर को देने के पीछे कारण क्या रहा है, एन एलिमिनेटेड सेंट्रल विस्ट राष्ट्रपति भवन साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। आप लोगों ने देखा होगा कि चिल्ड्रंस डे मनाते हैं जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पे 14 नवंबर को, लेकिन 20 नवंबर को भी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया गया, जिसके तहत हमारे राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया, उसका पिक्चर दिया हुआ। तो ये पिक्चर बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं कि जिस चीज़ को उठा करके यहाँ पे डाल देना, पेस्ट कर देना, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं रहती, सब एक जेन्यून रहती है। और सबको यहाँ पे अगर आपके पास भी कुछ अच्छा आर्टिकल्स है तो उसके थ्रू जा सकते हैं, आपको इसका वेबसाइट पे आपको इसका नंबर भी मिल सकता है, आप जो लगे कि जेन्यून न्यूज़ है और उसको पहुँचना चाहिए तो आप वहाँ पर जा कर के पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं। खैर न्यूज़पेपर का जो मेन टॉपिक है मैं बताता चलूं कि कैसे पढ़ा जाता है, ये सब न्यूज़ हो गए हैं। आपको यहाँ पे सिटी के बारे में ज़्यादातर दिया रहेगा, आपका एक ग्राफ बना हुआ कि सिटी के बारे में, यहाँ पे आपको दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली के आसपास के इलाके, ये पेपर ये इस पेज में दिया रहेगा। इसके अलावा हम लोग आते हैं, जैसे ये दिल्ली का मैं एडिशन पढ़ रहा हूँ, तो नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में जो भी आते हैं तो उसके खास खास न्यूज़ को उठा करके यहाँ पे दिया जाता है और क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी है उसको दर्शाया जाता है। फिर जो बड़े शहर हो गए हैं, नॉर्थ एंड वेस्ट के बारे में थोड़ा सा दे दिया जाता है ताकि आपको हर चीज़ का ज्ञान हो सके। और ये कंपल्सन पढ़ा कीजिए, आपको ये रहता है आपको वीदर एंड वीदर वाच, यानी कि कहाँ पे कौन सा वीदर है, आपके कंट्री में कहाँ पे क्या चल रहा है, ठंडा चल रहा है, गर्मी चल रहा है, कितना टेम्परेचर है, कितना AQI है, आपको एयर मिल रहा कि नहीं मिल रहा, SO2 का मात्रा कितना है कि नहीं है। इसके अलावा कुछ कुछ अच्छे काम जो रहते हैं उस स्टेट के, उस जगह के, वो दे दिया जाता है। फिर आते हैं हम लोग सबसे खास जो न्यूज़पेपर द हिंदू जाना जाता है,
आप इस चीज़ को देख रहे होंगे एडिटोरियल, ये पेज जो है आप पूरी तरीके से इस पेज को एकदम एक तरह से खंगाल दीजिए। आपको डिजिटल नेशन के बारे में ईशान प्रियदर्शी ने एक वीडियो में बताया भी, आप पीछे की वीडियोज में जाएंगे तो, इंडियाज़ नो टू RCEP कुड स्टिल बी ए नो। आप सोचो कि 8th क्लास 6th क्लास का बच्चा ये RCEP के बारे में पढ़ रहा है, यानी कि आप देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। बच्चा अभी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में उलझा हुआ है 8th क्लास तक, और ये बच्चे मतलब RCEP में इंडिया नाम वापस क्यों ले लिया, क्या दिक्कत था, लिया तो सही निर्णय था कि नहीं था? बिल्कुल सही था मोदी जी का निर्णय ये। द टाइम यूज सर्वे एज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, ये जो न्यूज़ रहते हैं मतलब कि इसका हॉट ऑफ द पेपर बोल सकते हो आप। इसके अलावा ये भी पेज काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहता है, जैसे कि इसके बारे में बताया गया फ्रेजिल पीस एमाइड परसिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली आपको ये जम्मू एंड कश्मीर का ये आर्टिकल होगा, गो थ्रू करेंगे तो आपको इसके बारे में आइडिया कुछ लगेगा, है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, एडिटोरियल का पेज आप बिल्कुल ना छोड़ें दोस्त। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि न्यूज़ दिया हुआ, तो न्यूज़ किस चीज़ के बारे में, पूरे नेशन के बारे में यहाँ पे दे दिया गया, पूरा नेशन ओवरऑल किस तरह का हमारा चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे, इसमें भी वही चीज़ आ गया। आप गो थ्रू करेंगे तो आपको बेटर आइडिया होगा, मैं बता दूँ और सिर्फ आप इस चीज़ को समझ जाओ या किसी न्यूज़ को जान लो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उसके गो थ्रू करोगे तभी उस सब्जेक्ट का ज्ञान होगा। हालाँकि बच्चे हमारे कवर कर रहे हैं न्यूज़ को, और उसमें अगर कुछ बच्चे जानना चाहते हैं आप तो उस चीज़ को वीडियोज़ को देख सकते हैं, काफ़ी अवेलेबल है। फिर इसमें भी न्यूज़ को कवर किया, वर्ल्ड वाइड न्यूज़ को कवर किया। इसके अलावा आपके पूरे वर्ल्ड में, पूरे डिजिटल यानी ग्लोबली अगर हम लोग देखें तो कैसा चल रहा है, जैसे यहाँ पे ईशान प्रियदर्शी ने इस टॉपिक को भी कवर किया, इज़ AI गेटिंग मोर ह्यूमन, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में बताया गया है कि वो हमारा जगह तो नहीं ले रहा। इसके अलावा आपको कुछ वर्ल्ड का न्यूज़ हो गया, यहाँ पे वर्ल्ड न्यूज़ के बारे में क्या पूरी दुनिया में चल रहा है, कौन से कंट्री में, और ज़्यादातर आपको USA का मिलेगा क्योंकि वो सुपर पावर है। इसके अलावा आप देख सकते हो रशिया का, चाइना का हल्का फुल्का न्यूज़ मिल सकता है यहाँ पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पेज हो, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो और बिजनेस में उतरना चाह रहे हो या बिजनेस मैन हो तो इस चीज़ को आप गो थ्रू ज़रूर करो। ये बिजनेस आर्टिकल्स यहाँ पे देता है, काफ़ी हद तक ये बच्चों को समझ में नहीं आएगा अभी, लेकिन आप धीरे धीरे हर चीज़ को, और यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में, आप स्पोर्ट्स के बारे में किसी भी न्यूज़पेपर में उठाते हो, किसी भी चैनल पे, किसी भी मीडिया पे जाते हो तो क्या दिखाता है, क्रिकेट 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 क्रिकेट, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हर चीज़ के बारे में एक जेन्यून जो स्पोर्ट्स का न्यूज़ है, क्योंकि बच्चों को तैयारी करनी है पूरे स्पोर्ट्स की। ऐसा नहीं कि क्रिकेट के बारे में हम ज़्यादा जान गए और किसी स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा नहीं जाने तो फिर हम लोगों को बहुत ये फ़ायदा करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको हर स्पोर्ट्स के बारे में जानना है। ये सुडोको आप अपने बच्चों से ज़रूर बनवा सकते हैं, ये सुडोको काफ़ी हेल्प करता है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स निकाल सकते हैं। एटलीस्ट ये कोशिश कीजिए आप कि हर बच्चों से आप 100 वर्ड्स निकलवाइए पूरे न्यूज़पेपर का। ये लास्ट स्पोर्ट का ही रहता है, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है हर चीज़ के बारे में। आपको चेस भी दिया हुआ है, आपको टेनिस के बारे में, आपको गोल्फ़ के बारे में, आपको वॉलीबॉल के बारे में, हर स्पोर्ट्स के हर विषय को ये टच कर लेता है। ये रहा न्यूज़पेपर। इसके अलावा सैटरडे है और फ्राइडे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक, इसमें क्या होता है कि एक कार्टून आता है एडिटोरियल पेज के जस्ट बाद, एक कार्टून रहता है और उस कार्टून को देख करके समझिए और उसके बारे में आप 50 वर्ड्स लिखिए आर्टिकल में बनाते हुए कि वो क्या कहना चाह रहा है वो कार्टून। अब हम ये बात करें कि ये द हिंदू न्यूज़पेपर को इस तरह से पढ़ा जाए, लेकिन आप, हो सकता है कि आप लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं हो या डिजिटल तो अवेलेबल है ही, तो डिजिटल ना जाते हुए ज़्यादा हम इसको पढ़ने की कोशिश करें या किसी चीज़ को एक्सप्लेन मोड में पढ़ने की कोशिश करें। हमें अभी समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिन तक फॉलो करना है तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो करते रहिए। हमारे जो बच्चे रहेंगे, कुछ कुछ आर्टिकल्स जो रहेगा उसको उठा करके पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एंड इफ़ यू आर स्टूडेंट सो यू हैव टू जस्ट नो अबाउट हाउ दे आर एक्सप्लेनिंग यू ऑल अबाउट, बिकॉज दे विल एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश ओनली, बिकॉज दे वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन एज वेल
एंड इफ़ यू आर ए गुड स्टूडेंट्स एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ गुड स्टूडेंट्स देन यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस न्यूज़पेपर एंड एक्सप्लेन विच एक्सप्लेन्ड बाई आवर स्टूडेंट्स एंड विच विल एक्सप्लेन बाई आवर स्टूडेंट्स. सो इन द एंड इन फाइनली आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग. प्लीज गो थ्रू आइदर न्यूज़पेपर और आवर चैनल टू अंडरस्टैंड ऑल द इशूज ऑल द जेन्यून इशूज what the things is going on in our country. Okay, so we will meet in next video and आप लोग अपना ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे कोरोना और पूरे देश में कोरोना ऐसा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है. और ध्यान रखें और जीवित रहें और अच्छे से रहें और बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी ज्ञान लें लेकिन फालतू का ज्ञान नहीं लें. और अगर अच्छा लगा वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो इस पे देख सकते हैं और नहीं भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो वीडियो देख सकते हैं. कोई वीडियो देखने में कोई बुरी बात नहीं. आप 2 से 3 मिनट भी अगर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा तो देखिए, नहीं आता तो नहीं देखिए. ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है. अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.